ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जिस पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है और कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने मैं पहुंची हूं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहां पर हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मोहन सेन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक फर्स्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये जो घोटाला हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं, कितना बड़ा घोटाला है ये? अभी जो प्रारंभिक स्टेज में जो घोटाले के लिए एक जांच समिति बनाई थी शासन ने, और उस जांच समिति की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर 19.48 करोड़ रुपीज़ का जो पैसा है वो निजी खातों में ट्रांसफ़र होना पाया गया है। साथ ही 150 करोड़ रुपए की जो FDs थी वो उनकी जो रिसीप्ट है वो नकली पाई गई है, जिसकी पुलिस ने जब्ती की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी शासन ने एक आदेश जारी किया है 11 मार्च को, जिसमें कि समिति का दायरा बढ़ाया गया है और विगत वर्षों की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जांच करने का उसमें उसके दायरे में लिया गया है। उस समिति की अभी जांच होना बाकी है। तो जब समिति जो 11 मार्च के आदेश के अनुसार जो समिति बनी है वो आके जब जाँच करेगी, तब इस पूरे माने प्रकरण में कि कितना पैसा कहां से माने गायब हुआ है, कहां से आया है, वो पता चल पाएगा। तो सर, ये RGPB का जो घोटाला है, आप जांच की बात करिए, जांच अभी पहुंची कहां तक? अभी जो जांच हुई है, जैसा कि आपको बताया, जो जांच रिपोर्ट जमा की गई थी, जो 3 सदस्यीय एक समिति बनी हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौशल बोर्ड के जो CEO हैं सोमेश मिश्रा जी थे, और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उसके मेंबर थे, और तकनीकी शिक्षा संचालनालय से जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस उसकी मेंबर थी। उस कमेटी ने जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है, और उस कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसकी विस्तृत जाँच किया जाना आवश्यक है। ये माने कोई किसी ने और ने सजेस्ट नहीं किया है, कमेटी ने ही माने जो डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया है, जो वित्त शाखा की यहाँ की वर्किंग देखी है, लेखा शाखा की, उस वर्किंग को देखते हुए उन्होंने पाया है कि यहाँ पर एक विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है, चाहे उसके लिए माने एक फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत हो, या जो समिति है, क्योंकि समिति में जैसा कि माने आदेश में आया हुआ है कि उसमें उन्होंने CA का रोल बढ़ाया है, एक CEO को और ऐड किया है, क्योंकि रानी दुर्गावती के जो माननीय वाइस चांसलर महोदय हैं वो खुद भी CA हैं, तो उन्होंने स्किल बोर्ड से भी एक रोमा जी हैं जो उनको माने लिया हुआ है, वो CA हैं। लेकिन वित्त विभाग की ओर से उस शायद समिति में किसी मेंबर का जो एक नॉमिनेशन मांगा गया था वो नहीं दिया गया है, उसको नहीं दिए जाने की वजह से भी संभवतः माने समिति ने अपना अभी जांच कार्य नहीं शुरू किया है। तो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, हम लोग पुनः रिक्वेस्ट करेंगे शासन से कि वो समिति आए और समिति अपना जाँच करके अपना जो भी अंतिम निष्कर्ष है वो यहाँ पर माने सभी लोगों को माने पता चल पाए कि भाई कहाँ पर किस वित्तीय वर्ष में कब क्या घोटाला हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। इसके लिए SIT भी गठित की गई, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? SIT की जांच जारी है, SIT तो अपना काम कर रही है, और जो भी माने FIR में जो भी जिनके भी नाम दर्ज थे उनके विरुद्ध उनका माने अपना कार्रवाई किया जाना जारी है, लेकिन उनका दायरा आगे कहाँ जाएगा, क्या उनका निष्कर्ष होगा, इससे बता पाना SIT को ही संभव होगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब भी वो जो भी जानकारी मांग रहे हैं विश्वविद्यालय उसको उपलब्ध करा रहा है, और आशा करते हैं कि जो भी माने SIT की जाँच होगी उससे काफ़ी कुछ माने सामने आएगा कि क्या वास्तविकता क्या हुई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने भी विभागीय कार्रवाई की है, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
नहीं देखिए, जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें जो भी मैंने जांच में जो भी पॉइंट्स इसमें रेज किए गए हैं वो क्या है कि मैंने बैंक का जो एक कहना चाहिए डिजिटल माने जो सिस्टम होता है उनके जो सर्वर होते हैं उस पर जानकारी है, उसमें मैंने किसी कोई कागज़ यहाँ पर हो या ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी जानकारी है वो बैंक के माने उनके जो सर्वर हैं उससे माने प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा नहीं कि माने कोई भी ऐसा कुछ किया गया है कि किसी को माने परेशान करने के उद्देश्य से या कोई गलत कोई डॉक्यूमेंट देके किसी को माने किसी का इमेज ख़राब करने का प्रयास हो, ऐसा कतई नहीं है। जो भी है जांच है, जो भी माने यहाँ पे अभी तक जो भी कार्रवाई की जा रही है पूर्णतः निष्पक्ष है और पूर्णतः माने डॉक्यूमेंट पर आधारित है। सर कुछ लोग सवालों के घेरे में हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई और आप पर संरक्षण देने का? नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, मैं तो देखिए मैं तो जो भी मेरे मैंने जितनी भी कार्रवाई की है बिल्कुल माने शासन के जो नियम होते हैं सामान्य प्रशासन के नियम हैं उनको दायरे में रख के कर रहा हूँ। इसमें किसी को भी संरक्षण देने की बात ही नहीं उठती है कि किसी को संरक्षण दिया जा रहा हो या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सामने मेरी टेबल पर जो भी कागज़ आएगा और जिसमें कोई भी कंप्लेन होगी या कोई भी गड़बड़ी का अंदेशा होगा उस पर बाकायदा जाँच की जाएगी और जाँच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं आगे कार्रवाई ये करेंगे कि जो RGPB के जो बहुत सारे खाते थे उनको बंद किया जाएगा, कम से कम खाते रखे जाएंगे, जो माने फिक्स डिपॉजिट की जो डिटेल्स हैं उनको फाइनेंस कमेटी और EC में सार्वजनिक किया जाकर उनको वेबसाइट पे माने उनको उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट जैसे बड़े संस्थान होते हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर मिलती है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट भी माने जो की जाएगी उसको भी माने वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब ये सब चीज़ें आपके माने पब्लिक डोमेन में होगी तो सामने वाला कोई भी गलती करने से माने दोबारा माने उसको सोचेगा, उसको मिसयूज करने का या फंड का जहाँ सवाल आता है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये थे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मोहन सेन जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब हम तक दिए हैं। लेकिन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के घोटाले की जांच जो है लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं। तो फिलहाल पब्लिक फर्स्ट के इंटरव्यू में इतना ही, और देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार।